नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 अप्रैल दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब किसान इस पोर्टल से ऑनलाइन बेच सकते हैं फसल। बेटा में महिला ऑफिसर को घसीटने के मामले पर NCW ने लिया संज्ञान। पटना हाईकोर्ट में जातिगत जनगणना पर हुई सुनवाई। बिहार सरकार ने भूमिहीन परिवारों के लिए लिया बड़ा फैसला। कोरोना के टीका को लेकर बिहार सरकार ने दी जानकारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस के 76 पदों पर निकली भर्ती। आयुध निर्माण फैक्ट्री चंदा के द्वारा ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ग्रेजुएट इंजीनियर, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, सामान्य स्ट्रीम टेक्नीशियन अप्रेंटिस, डिप्लोमा होल्डर्स के कुल 76 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा प्रदान इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में डिग्री, डिप्लोमा या फिर सामान्य स्ट्रीम में डिग्री होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट MUNITIONSIndia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 11 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों से जुड़े कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगाए गए। बता दें कि जिन एजेंडों पर मुहर लगाए गए हैं उनमें मोटरयान अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, राज्य प्रोटोकॉल संवर्ग के विभिन्न के 15 पदों के सृजन एवं बिहार प्रोटोकॉल संवर्ग नियमावली 2023 को स्वीकृति दी है। नीतीश सरकार ने मधुबनी के तत्कालीन ACJM अशोक कुमार दो को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने यौन शोषण के मामलों की जांच के लिए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर और भागलपुर में DNA प्रशाखा की एक एक यूनिट स्थापित करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि के 14 पदों के सृजन की मंजूरी दी है। बिहार पुलिस के PTC प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सिपाही रैंक के पुलिस कर्मियों को दूसरे राज्यों की तर्ज पर अनुसंधान करने की शक्ति प्राधिकृत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने कई और एजेंडों पर मुहर लगाई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे गुरमीत चौधरी के बारे में। गुरमीत चौधरी एक भारतीय अभिनेता और मार्शल कलाकार है और भागलपुर बिहार में पैदा हुए हैं। उन्हें रामायण में राम के चित्रण, गीत हुई सबसे पढ़ाई में मान सिंह खुराना और पुनर्विवाह जिंदगी मिलेगी दोबारा में यश सूरज प्रताप सिंधना के लिए जाना जाता है। 2012 में गुरमीत ने झलक दिखला जा 5 में भाग लिया और विजेता के रूप में उभरे, जिन्होंने नच बलिए 6 और फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 5 में भी भाग लिया और दोनों के प्रथम रनर अप के रूप में उभरे। गुरमीत चौधरी का बॉलीवुड फिल्म उद्योग में पहला प्रवेश 2015 में था, जब उन्हें फॉक्स स्टूडियोज इंडिया और विशेष फिल्म्स द्वारा निर्मित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर खामोशिया में जयदेव के चरित्र के रूप में चुना गया था। यह एक प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। पटना हाईकोर्ट में जातिगत जनगणना पर हुई सुनवाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अखिलेश कुमार के द्वारा की गई याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 मई 2023 को की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता अधिवक्ता दीनू कुमार के द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में सरकार के द्वारा जातियों और आर्थिक सर्वेक्षण कराई जा रही है। वह सर्वेक्षण कराने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है बल्कि केंद्र सरकार के पास है, जिसके बाद राज्य सरकार के एडवोकेट के द्वारा कहा गया था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जिस पर कोर्ट के द्वारा इसे अमान्य करते हुए कहा गया था कि ये प्रावधानों के उल्लंघन और 500 करोड़ रुपए से संबंधित मामला है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 4 मई 2023 को की जाएगी। अब किसान इस पोर्टल से ऑनलाइन बेच सकते हैं फसल। अक्सर किसानों को इस बात की चिंता रहती है कि वह फसल उगाने के बाद सारे फसल को बेच कैसे सकते हैं। ऐसे में अब किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार की ओर से एक नई सुविधा लाई गई है, जिसके तहत किसानों को अपने फसल को बेचने के लिए मंडी या बाजार का चक्कर नहीं लगाना होगा। दरअसल भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया है, जिस पर किसान अपना फसल ऑनलाइन तरीके से बेच सकते हैं। बता दें कि इस पोर्टल का नाम ई नाम पोर्टल है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ऑनलाइन कृषि बाजार से राज्य के जिन जिलों को आकांक्षित जिलों में शामिल किया गया है, उनमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, पूर्णिया और कटिहार शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पोर्टल से किसानों को जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो किसान ई नाम .gov.in पर जाकर करा सकते हैं।
बिहार में महिला ऑफिसर को घसीटने के मामले पर NCW ने लिया संज्ञान। सोमवार को बिहार के पटना के बिहटा में बालू माफियाओं के द्वारा खनन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बेरहमी से दौड़ा कर लाठी डंडे से पीटने और साथ ही उन अधिकारियों में मौजूद एक महिला अधिकारी को जमीन पर घसीट कर पीटने के मामले को लेकर अब तक प्रशासन के द्वारा 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अब इस मामले पर NCW यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा संज्ञान लेते हुए आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के द्वारा मुख्य सचिव DGP DM और SSP को एक नोटिस भेजा गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। बता दें कि उन्हें यह जवाब आयोग को एक सप्ताह के अंदर देना होगा। इसके साथ ही एक पत्र बिहार के DGP RS भट्टी को भी व्यक्तिगत रूप से लिखा गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वह इस मामले का खुद निष्पक्ष और संबंध जांच सुनिश्चित करें। 22 और 23 जून को होगा पटना में G20 समिट की बैठक। बिहार की राजधानी पटना में जून को होने वाली G20 की बैठक को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से तैयारियों की समीक्षा की गई। बता दें कि इस बैठक को लेकर 22 और 23 जून को पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में G20 का श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्रमिक समूहों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 22 और 23 जून को होने वाले इस बैठक में G20 देशों के लगभग 120 डेलीगेट शिरकत करेंगे। मालूम हो कि सफल आयोजन के लिए कला संस्कृति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग, पर्यटन विभाग और अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सम्मेलन के दौरान जीविका की दीदी के द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा कला सांस्कृतिक विभाग के द्वारा बिहार की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिहार सरकार ने भूमिहीन परिवारों के लिए लिया बड़ा फैसला। राज्य के वैसे परिवार जो गरीब वर्ग में आते हैं और भूमिहीन हैं, उनके लिए बिहार सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल अब ऐसे परिवारों को सरकार की ओर से भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा ऐसे परिवारों की पहचान के लिए इस महीने के अंत में व्यापक रूप से एक सर्वेक्षण की शुरुआत की जाएगी, जिसे 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले एक विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इस बारे में बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अनुसार सचिव जयसिंह के अनुसार यह सर्वेक्षण का कार्य एक विशेष एप्लीकेशन के द्वारा पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस एप्लीकेशन को औपचारिक रूप से 25 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। वहीं सर्वेक्षण के दौरान पहले से दी गई भूमि का भी जायजा लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले सरकार के द्वारा यह सर्वेक्षण का काम वर्ष 2014 में करवाया गया था। राज्य के ये 30 विरासत स्थल आपदा में भी रहेंगे सुरक्षित। कार्यक्रम समन्वयक और आपदा प्रबंधन पदाधिकार के वरीय सलाहकार दिलीप कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद राज्य के 30 विरासत को आपदा के दौरान भी सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा NIT के सहयोग से काम शुरू कर दिया गया है, जिसे अगले 3 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि बिहार के जिन 30 विरासत को आपदा में भी सुरक्षित रखने के लिए तैयारियों की जा रही है, उनमें बाबू वीर कुंवर सिंह जन्मस्थली आड़ा हाउस, महाराजा कॉलेज कंपाउंड, शूर्य मंदिर, चिरांद, शेरगढ़ किला, महमूद शाह का मकबरा, बौसागढ़, रामसला पहाड़ी, प्रेतसला पहाड़ी, अलावल खान का मस्जिद, नेपाली मंदिर, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, ताराडीह स्टोन मस्जिद, गिराबेघा, कटरागढ़, मुंगेर किला, गोलघर, दाऊद खान का किला, आर्कियोलॉजिकल साइट अगमकुआं, बेगू जाम मस्जिद, जैन मंदिर, दोरुखी प्रतिमा, कुम्हरार, छोटी पटन देवी, जलालगढ़ किला, निशान सिंह शहीद मेमोरियल और हजारी धर्मशाला शामिल है। अब 10 वर्ष पुराने और NAC से ग्रेड प्राप्त कॉलेज हो सकेंगे ऑटोनोमस। UGC के द्वारा राज्य के कॉलेजों के लिए ऑटोनोमस की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि UGC के द्वारा जो बदलाव किया गया है, वह रेगुलेशन 2018 में किया गया है। अब यह रेगुलेशन 2023 लाया गया है, जिसके तहत अब ऑटोनोमस कॉलेज की जो अर्हता थी, उसे कम कर दिया गया है। बता दें कि अब राज्य के वैसे कॉलेज जो 10 वर्ष पुराने और NAC से कोई भी ग्रेड प्राप्त किए हों, वह भी ऑटोनोमस कॉलेज के लिए UGC की आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज होता है, तो वह अपने गतिविधियों व पाठ्यक्रम पर खुद का नियंत्रण रख सकता है और साथ ही इस तरह के कॉलेज को अलग से फंड के तौर पर UGC से सहायता मिलती है। मालूम हो कि अभी तक राज्य में बस एक ही ऐसा कॉलेज है जिसे ऑटोनोमस का दर्जा मिला है, वह कॉलेज बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटना वुमेन्स कॉलेज है। कोरोना के टीका को लेकर बिहार सरकार ने दी जानकारी। राज्य में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है, ऐसे में अब राज्य में कोरोना के टीकाकरण में भी तेजी लाई जा रही है। बता दें कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टीकाकरण को लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्यवासियों को एक जानकारी दी गई है। बता दें कि विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लोगों से यह अपील की गई है कि कोरोना से बेहतर बचाव के लिए टीका अवश्य लगवाएं। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि अब राज्य के सभी सदर अस्पतालों में कोरोना का टीका प्रातः 9 बजे से अपराह्न 12 बजे तक
निःशुल्क उपलब्ध है। हालांकि यह सुविधा रविवार एवं सरकारी अवकाश के दिन यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। वहीं इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अथवा शिकायत दर्ज करने के लिए विभाग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर 104 भी जारी किया गया है। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ सर्वेक्षक अमित। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम के द्वारा बीते दिन बिहार के जहानाबाद के मोदनगंज के एक सर्वेक्षण अमीन को रंगे हाथों 20,000 रुपए का रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जिस सर्वेक्षण अमीन को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम सदाब अली है। दरअसल 2 मार्च 2023 को नरेश यादव के द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से इस सर्वेक्षण अमीन के खिलाफ रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद ब्यूरो द्वारा इस मामले का सत्यापन किया गया और आरोपी के द्वारा 20,000 रुपए रिश्वत के रूप में मांगे जाने का प्रमाण मिला, जिसके बाद उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अभियुक्त से पूछताछ किए जाने के बाद न्यायालय निगरानी पटना में उपस्थित किया जाएगा। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बूढ़ानाथ मंदिर के बारे में। बूढ़ानाथ मंदिर भागलपुर के आसपास के मुख्य आकर्षणों में से एक है और यह उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर स्थित है। बूढ़ानाथ इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और यहाँ साल भर भक्तों की भारी तांता लगा रहता है। बाबा बूढ़ानाथ को शिव पुराणों में 8 खंडों में से पहले खंड में बाल मृदेश्वर नाथ के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है, क्योंकि यह शिवलिंग के जन्म के बारे में ज्ञात नहीं है। भागलपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक अपने इतिहास और संरचना की वजह से लोगों के दिलों में राज करता है। बता दें कि शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि रामायण काल के दौरान तारकासुर का वध करने के बाद ऋषि वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर भागलपुर के इस स्थान पर आए थे और शिवलिंग की स्थापना कर यहीं पर पूजा अर्चना की थी। इस दिन तक भरे जाएंगे बीएड प्रथम खंड का परीक्षा फॉर्म। अगर आप भी बीएड प्रथम खंड 2022-24 की परीक्षा फॉर्म भरने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल इस फॉर्म को भरने की शुरुआत बीते दिन यानी कि 18 अप्रैल से की जा चुकी है, जो कि 2 मई तक भरी जा सकेगी। वहीं अगर आप 2 मई तक भी इस परीक्षा फॉर्म को नहीं भर पाते हैं तो आप 5 मई से 9 मई तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे, लेकिन इस दौरान आपको सामान्य विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह परीक्षा LNMU की ओर से संचालित करवाई जाती है। इस परीक्षा को लेकर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह परीक्षा मई महीने में ली जा सकती है। हालांकि अब तक इस परीक्षा की तारीख को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। बिहार में अगले 4 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट। बिहार के जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिन में तेज धूप हो रही है और गर्म हवा 12 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। पछुआ और उत्तर पश्चिम की तरफ से गर्म हवा की वजह से जलन महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं पूर्वी पश्चिम चंपारण, सिवान, छपरा, भागलपुर, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया समेत 23 जिलों में अगले 48 घंटे तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि 22 अप्रैल से बिहार के सभी हिस्सों में मौसम में सुधार दिखाई देगा। दाखिल खारिज व अन्य कार्यों में बिहार का ये स्थान अव्वल। दाखिल खारिज सहित अन्य कामकाज में भीतर प्रदर्शन करने वाले अंचलों को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा मार्च में किए गए कार्यों को लेकर रैंकिंग जारी की गई है। बता दें कि जारी की गई इस रैंकिंग में बिहार के जिन 5 अंचल के द्वारा सबसे बेहतर प्रदर्शन किया गया है, उनमें सबसे पहले स्थान पर 96.05 अंक के साथ बांका जिले के अमरपुर अंचल है। वहीं दूसरे स्थान पर 97.09 अंक के साथ बांका का बेलहर अंचल, तीसरे नंबर पर पूर्णिया का श्रीनगर, चौथे नंबर पर बांका का फूली डूमर और पांचवें नंबर पर बांका जिले का रजौन अंचल है। इसके अलावा जिन 5 अंचल के द्वारा सबसे खराब प्रदर्शन किया गया है, उनमें नीचे से पहले स्थान पर 44.93 अंक के साथ मुजफ्फरपुर का पारू अंचल, दूसरे नंबर पर 45.87 अंक के साथ पटना का पुनपुन, तीसरे नंबर पर 48.24 अंक के साथ मधुबनी का अंधरा ठाड़ी, चौथे नंबर पर 49.36 अंक के साथ सिवान का सिसवन अंचल और पांचवे नंबर पर 50.23 अंकों के साथ मधुबनी का बासोपट्टी अंचल शामिल है। बिहार के पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म बेड़ा एक अघोड़ी इस दिन होगी रिलीज। 28 अप्रैल 2023 को धीराल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी एक हॉरर फिल्म बेड़ा एक अघोड़ी रिलीज होने वाली है, जो कि बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी है। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक निजी होटल में प्रमोशन के लिए पहुंचे इस फिल्म के निर्माता राजू भारती के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान दी गई है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के लेखक शक्ति वीर धीराल और निर्देशक प्रेम धीराल है। वह इस फिल्म में आपको मुख्य किरदार के रूप में शक्ति धीराल, प्रेम धीराल और प्राजक्ता सिंधे देखने को मिलेंगी। फिल्म
फिल्म के निर्देशक और अभिनेता प्रेम थिराल के द्वारा इस फिल्म को लेकर बताया गया है कि यह फिल्म एक नई सोच वाली, नए मिजाज वाली फिल्म है। उन्होंने बताया कि यह फिल्म तंत्र मंत्र की दुनिया से दूर एक साफ सुथरी हॉरर रहस्य रोमांस से लबरेज होने के साथ रोमांस से भी भरपूर है। वीर कुंवर सिंह जयंती पर बीजेपी निकालेगी भव्य गौरव यात्रा। 23 अप्रैल के दिन को हम वीर कुंवर सिंह की जयंती के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस बार वीर कुंवर सिंह की यह जयंती बीजेपी के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाने वाली है। दरअसल बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू के द्वारा बीते दिन पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि आजादी के अमृतकाल में 1857 क्रांति के नायक वीर कुंवर सिंह की जयंती को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए बीजेपी की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अतिरिक्त उस दिन कई तरह के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर टीम का गठन किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वह सभी इस शोभा यात्रा में जरूर हिस्सा लें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्यक्रम का संयोजक बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू को ही बनाया गया है। अजीत शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के द्वारा किए गए खुलासे के बाद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी जब भी चुनाव आता है तब सैनिकों का सहारा लेकर राजनीति करती है। बीजेपी इसी मुद्दे को उठाकर अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को जानबूझकर सैनिकों के साथ अंजाम दिया जाता है ताकि उस पर कार्रवाई की जाए और वोट बैंक को मजबूत बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर कई सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले का शिकार हुई गाड़ी का ऑनर कौन था, आरडीएक्स कहां से आए थे और पकड़े गए आतंकवादी को छोड़ने के पीछे का कारण क्या है। शराबबंदी पर सीएम नीतीश के फैसले पर बीजेपी हुई हमलावर। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ गई है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शराब से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजे की बात कही गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी उसके इस बयान पर लगातार हमलावर है। वहीं अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के द्वारा सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा गया है कि मुख्यमंत्री को यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था और इसके साथ ही सीएम नीतीश को 2 लाख रुपए मुआवजे के रूप में उन लोगों को भी देना चाहिए जो जहरीली शराब पीने से अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। सभी 500 परिवारों को ब्याज सहित मुआवजा मिले। इसके अलावा जेल में बंद 25,000 लोगों को रिहा कर दिया जाए और इससे जुड़े 3,61,000 मुकदमे वापस ले लिए जाए। शराब मामले में गिरफ्तार लोगों को अलग जेल में रखा जाए, जो पिएगा वह मरेगा जैसी टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आईपीएल 2023 राजस्थान के खिलाफ खाता खोलने उतरेगी लखनऊ की टीम। जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स के सामने होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स। दोनों की टीम बेहतरीन और दमदार है। संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है और वो लखनऊ के खिलाफ भी अपने जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेंगे। राजस्थान की टीम डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को हरा कर आ रही है और उनके हौसले बुलंद होंगे। वहीं लखनऊ की बात करें तो केएल राहुल की अगुवाई वाली इस टीम को पंजाब ने पिछले मुकाबले में हराया था। राजस्थान के खिलाफ वो भी जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगे। राजस्थान बनाम लखनऊ टू हेड देखे तो अभी तक कुल 2 मुकाबले हुए हैं और लखनऊ की टीम एक बार फिर जीत दर्ज करने में सफल नहीं हो पाई है। दोनों बार राजस्थान ने जीत दर्ज की है। लखनऊ की टीम इसलिए इस रिकॉर्ड को भी सुधारना चाहेगी। बता दें कि इस मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे से हो जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। बहलोल लोदी ने 1451 में दिल्ली पर कब्जा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में इस्तीफा देने वाले पहले कैबिनेट मंत्री बने। बीएसएफ ने 2001 में मेघालय के गांव से बांग्लादेशी सेना को मार भगाया था। 1864 में पंजाब के प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता, समाज सुधारक और शिक्षाविद महात्मा हंसराज का जन्म हुआ। 1968 में बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी का जन्म हुआ। 1977 में भारत की प्रसिद्ध एथलेटिक्स खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सैयद हसन इमाम का निधन 1933 में हुआ था। आज के दिन को भारत द्वारा उपग्रह क्षेत्र में प्रवेश दिवस, विश्व यकृत दिवस और साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालखंड में आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि डेली ट्रेंडिंग न्यूज नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने के कारण मई में भारत में लॉकडाउन लगेगा। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, कृपया फर्जी खबरों से सावधान सतर्क रहें एवं ऐसी खबरों को आगे साझा न करें।
ट्विटर से खुद गायब हो जाएगी नफरत फैलाने वाली पोस्ट। ट्विटर पर गलत पोस्ट से लोगों के बीच नकारात्मक जैसे स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए पॉलिसी बनाई गई है। बता दें कि इसके तहत ट्विटर ने यूजर्स के लिए कुछ नए लेबल्स पेश किए हैं जिनका इस्तेमाल भविष्य में स्थिति के मुताबिक किया जाएगा। हेटफुल कंडक्ट पॉलिसी का उल्लंघन होने पर कंपनी की ओर से ऐसे पोस्ट की विजिबिलिटी बहुत कम यूजर्स तक सीमित कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, नफरत फैलाने वाले पोस्ट को ट्विटर पर खोज पाना भी मुश्किल होगा। यूजर द्वारा शेयर की गई पोस्ट दूसरे यूजर को एक लेबल के साथ नजर आएगी। इसी लेवल पर पोस्ट को शेयर और दिखाए न जाने के पीछे की वजह देखी जा सकेगी। कंपनी ने हाल में अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए नए लेबल्स की जानकारी दी है। इस पॉलिसी के तहत ट्विटर यूजर जेंडर, कास्ट, देश, रेस, धर्म, उम्र और किसी गंभीर बीमारी के आधार पर किसी दूसरे यूजर के खिलाफ ट्वीट नहीं कर सकता। ट्विटर यूजर किसी ऐसी प्रोफाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसमें नफरत फैलाने का उद्देश्य निहित हो। मृत समझी जा रही भारतीय पर्वतारोही बलजीत कौर वापस पहुंची अन्नपूर्णा बेस कैंप। बीते दिन सुबह ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि भारतीय पर्वतारोही बलजीत कौर अन्नपूर्णा बेस कैंप से लापता हो गई है और साथ ही ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन अब उन्हें खोज लिया गया है और वह जिंदा है और साथ ही उन्हें वापस अन्नपूर्णा बेस कैंप ले आया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी अभियान के एक आयोजक के द्वारा दी गई है। मालूम हो कि पायनियर एडवेंचर के द्वारा एक फेसबुक पोस्ट में कहा गया है कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बलजीत कौर को पहाड़ से एयरलिफ्ट किए जाने के बाद अन्नपूर्णा बेस कैंप में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है और जल्द ही उन्हें मेडिकल जांच के लिए वापस काठमांडू ले जाया जाएगा। बलजीत की उपलब्धि वास्तव में उल्लेखनीय है और हम उनकी ताकत, साहस और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। उसके व्यापक प्रशिक्षण, तैयारी और कौशल ने इस कठिन घटना से उबरने में उसकी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उनकी सराहना करते हैं और हम सभी के लिए प्रेरणा बनने के लिए उनकी सराहना करते हैं। हम सभी पायनियर एडवेंचर टीम के सदस्यों के साथ साथ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू और सभी अन्नपूर्णा अभियान के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने सफल बचाव मिशन में मदद की। हम बलजीत के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, शंकर मुखिया, राजीव कुमार, मोहम्मद तौसिफ रेजा, शुभम कुमार, रविशंकर, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद सकीर हुसैन, नंदनी, नौशद राजा, जितेंद्र रविदास, मलन कुमार, वेद प्रकाश सिंह, नुनु गोलू कुमार, मुटुर रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य के ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।